नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं भाजपा 4 राज्यों में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं यूपी में अखिलेश यादव अपने करहल सीट को छोड़ने की बात कर रहे हैं और अटकलें लगाई जा रही है कि पूर्व श्रम और रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य करहल से प्रत्याशी हो सकते हैं। इसी बीच प्राइम टीवी की टीम से स्वामी प्रसाद मौर्य ने खास बातचीत की है। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और इस बार के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार के 11 मंत्री हारे, तो ऐसे ही कई दिग्गज हारे। अभी हमारे साथ मौजूद है श्रम एवं रोजगार मंत्री, पूर्व रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि फाजिलनगर से चुनाव हारे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जीत हार दोनों लोकतंत्र के दोनों पहलू हैं। जीत को जिस तरीके से हम स्वागत करते हैं, हार को भी उसी तरीके गले लगाते हैं। रही बात जीतने वाला ही हारता है और हारने वाला भी जीतता है, तो इसको बहुत अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, हार है तो स्वीकार है, जो जीता है उसको बधाई है। और इसीलिए जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हर चीज को खुले रूप से उसे स्वीकार भी करते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो अखिलेश जी के करहल सीट छोड़ने के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अटकलें अटकलें होती हैं। इसलिए सच का इंतजार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अभी अपना कोई निर्णय नहीं सुनाया है, न इस संबंध में कोई वार्ता हुई है, न उनका कोई निर्देश प्राप्त हुआ है। इसलिए जो बातें हवा हवाई हैं, हम न उसका संज्ञान लेते हैं और न उस पर मैं चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। अच्छा, आप सुबह आज एक ट्वीट किए थे जिसमें आपने बताया कि बैलेट पेपर से कब चुनाव होंगे। बैलेट पेपर की आपने गिनती करके बताया कि सपा को 304 सीटें मिली हैं और भाजपा को 98, उसको उसमें आपने कुछ बताया? देखिए, ये सही है कि समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर वोटिंग में 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। हमारा नारा भी था कि इस बार सपा 300 के पार। बैलेट पेपर ने हमारे नारे को सच साबित करके दिखाया, यानी हम 300 के पार गए, 304 पर जीत हासिल की। ईवीएम मशीन की गिनती में भाजपा बाजी मार गई। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल हुआ है, अन्यथा जो बैलेट पेपर वोटिंग में हारा हो, मात्र 99 पर सिमट गया हो, वो बहुमत कैसे हासिल कर लिया। और इसीलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से और सभी मीडिया के साथियों से भी ये अनुरोध करता हूं कि ये गंभीर मामला है और चिंतन का विषय है। सभी को आपस में बैठ करके चिंतन करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में हम पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया को संपादित करा सकें और जनता का जो लोकतंत्र में विश्वास है, उस विश्वास को निरंतर कायम रखा जा सके। इसलिए इस पर विचार करना और चिंतन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी, कई जगह चलाया जा रहा है कि आपने एक मीडिया चैनल के पत्रकार को धक्का दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब अनर्गल प्रलाप तो कोई भी कर सकता है। मेरा कभी स्वभाव ऐसा रहा ही नहीं कि मैं किसी मीडिया को धक्का मार दूं। हम समझते हैं, लखनऊ में सभी मीडिया वालों से आप पूछिएगा तो एक दो जो बहुत प्रेजुडिस हों, उनकी बात तो मैं नहीं करता, लेकिन सभी यही कहेंगे
कि मौर्या जी मीडिया को मैक्सिमम कोऑपरेट करते हैं, कभी भी उनको जरूरत पड़ती है मैं उनको निराश नहीं करता हूं, जो भी आता है मैं उसको बहुत ही खुले मन से बाइट भी देता हूं। हमें भी ये जानकर के बड़ा खेद है कि जो मात्र हमसे दो बाइट मांगने का अनुरोध करके हमसे बात किया, हमने तीन उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, और ये प्रस्ताव उन्हीं लोगों का था, उस समय पांच मीडिया के लोग थे, पांच मीडिया के संवाददाता यहां पर थे, और पांचों ने सामूहिक रूप से अनुरोध किया था कि मात्र दो दो बाइट हम लोग लेंगे। हमने दो के बजाय तीन तीन बाइट दिया, और चूंकि सभी मीडिया के लोगों में जल्दी थी, अब उसको बेजा फायदा उठाने के चक्कर में वो तीन के बाद भी लगातार पूछना चाहते थे। हमने केवल इतनी कहा, भाई दो बाइट की आपने बात किया, हमने एक अपनी तरफ से दे दिया, तो आपको तो ज्यादा हुजत नहीं करनी चाहिए। बार बार मेरे मुंह पर लगाते रहे, मैंने कहा आप नहीं उत्तर देंगे, बस हो गया। अब उसको तोड़ मोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जनता है तो देखती है, समझती है। आजकल मीडिया के में भी कुछ ऐसे चाटुकार हैं जो तथ्यों को तोड़ मोड़ को परोसने में माहिर हैं, तो उससे हमको कुछ नहीं कहना। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताया, चुनाव से ठीक पहले आपने कहा था मैं नेवला हुआ साफ यूपी भाजपा को विनाश कर दूंगा, क्या अभी भी उस पर कायम है? देखिए, कायम है, और हम जंग जीते भी हैं। बैलेट पेपर वोटिंग में 304 पर सपा जीती है, तो स्वाभाविक रूप से जनता ने तो हमें जिताया है। ईवीएम के खेल ने हमको हराया है, ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल हुआ है जो चिंतनीय भी है, विचारणीय भी है। हम सबको सामूहिक रूप से इस पर चिंतन मनन करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कभी भी चुनाव हो तो पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव संपादित कराए जा सके। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्व श्रम रोजगार मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं, संघर्ष अभी जारी रहेगा। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारे संवाददाता विभांशु के साथ आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की बातचीत सुनी की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।